My name is Abhay Kumar Sinha, Senior Lecturer, Electrical Engineering, Government Polytechnic College, Alwar. Actually, I am giving a lecture, subject name, Estimating Costing and Design of Electrical Installations. And topic is General Principle of Estimating and Costing. Basically, jab स्टूडेंट डिप्लोमा में होता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक्स स्टार्टिंग होता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत है, क्या पर्पस है, किस क्या इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ाई होता है, क्या करना होता है और कैसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि एक इंजीनियर हो बनने के लिए ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वह इससे वाकिफ बिल्कुल जाने कि कैसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जाती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे कहीं पर भी या तो पीडब्ल्यूडी या गवर्नमेंट बिल्डिंग कई दो रूम का तीन रूम का एक बड़ा न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है और कंस्ट्रक्शन के बाद अगर कोई डिप्लोमा पास करके जाता है उसमें और उसको कहा जाता है कि यू हैव टू कंप्लीट द वायरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो उसको इस सब्जेक्ट का जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं काम कर सकता है। इसलिए ये सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अंतर्गत उसको काम किया जाता है, ये इसमें रूपरेखा एक इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। सबसे पहले एज फॉर एग्जाम्पल दो रूम का सेट कह दिया हुआ है और उसको वर्क मिल गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स कॉस्ट वाइज, लिस्ट ऑफ मटेरियल क्या टोटल कॉस्ट लगेगा, क्या सामग्री लगेगी, क्या उसका स्पेसिफिकेशंस होगा, कितना सामग्री लगेगा, क्वालिटी क्या होगा, तो एक कंप्लीट रूपरेखा जानने के लिए यह टॉपिक्स या सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ाया जाता है। तो पर्पस और एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो नेचुरल है कि इसका उद्देश्य यही है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग दिया हुआ है या कोई प्राइवेट बिल्डिंग भी दिया हुआ है, इंजीनियर होने के नाते उसको एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे हम उसको कंप्लीट वायरिंग और इंस्टॉलेशंस करेंगे, क्या सामग्री लगेगी। तो इसके लिए बेसिकली उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि बाई भी दो रूम का सेट कहीं दिया हुआ है तो क्या क्या सामग्री, क्या क्या मटेरियल्स उसमें रिक्वायरमेंट हम लेंगे। जैसे बाई भी एक बड़ा कमरा है उसमें कितने ट्यूबलाइट लगेंगे, कितने फैन लगेंगे, कितने हमारे पावर प्लांट्स लगेंगे, तो हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 की पालना करते हुए हम उसका कंप्लीट वायरिंग करेंगे और उसका टोटल एक सूची बनाएंगे, कंप्लीट सूची होगा कि यह मेरा विवरण है, सामग्री का विवरण है विद स्पेसिफिकेशन, मेरा सामग्री इतने क्वांटिटी में लगेगा, एक का दर इतना होगा, टोटल कॉस्ट इतना होगा और बाद में कॉन्टिजेंसी इतने परसेंट के हिसाब से हम लेंगे, सुपरविजन या इंजीनियर्स का चार्ज 10% या इंजीनियर्स कहीं पर है तो 10-30% हम उसको चार्ज लगा कर करके टोटल कॉस्ट लगा करके एक तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम देंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इतना यही सामग्री लगेगा और इसी के हिसाब से हम काम करवाएंगे। तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसको कि उसको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए एक इंजीनियर होने के नाते। तो हमारा ये टॉपिक्स एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, तो उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है कैसे हमारा ये लिस्ट ऑफ मटेरियल्स तैयार होगा, उसका एक सारणी बनाया हुआ है यहाँ पर कि क्रम संख्या, सामग्री का नाम, स्टैंडर्ड उसका क्या लागत होगा, मात्रा, दर, एक कंपनी का नाम, हमारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, कोई अगर रिमार्क्स है तो रिमार्क्स दे करके हम इसको इस तरीका से मटेरियल का लिस्ट तैयार करते हैं।
मार्केट सर्वे उसके बाद है। मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है, कोई भी सामग्री खरीद रहे हैं तो डिफरेंट उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमारा एक कोटेशन डिफरेंट दुकानदारों से लेकर के उसको हम टेंडर की प्रक्रिया जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनाई जाती है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना करके मिनिमम कॉस्ट निकाल करके जो हमारा क्वालिटी वाइज उसको जाँच कर करके हम उसको गवर्नमेंट की प्रक्रिया कर करके उसको हम परचेज की कार्रवाई करते हैं। प्राइज जब लिस्ट ऑफ मटेरियल्स का हम उसको प्राइज का एक सारणी बनाते हैं तो हमारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का और सीएफएल का दिखाया हुआ है कि दर एक का दर इतना दर, अगर दर्जन खरीदते हैं कोई शर्तें हैं तो ये हमारा शर्तें होगा क्या क्या हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या नियम पालना की जाती है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हम इसको काम करते हैं। तो इस तरीका से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई न्यू बिल्डिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले हम सामग्री के क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से टोटल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल लोड कैलकुलेट करने के बाद हम सब सर्किट्स निकालते हैं, सब सर्किट कितने लगेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 800 वाट हम से ज़्यादा होता है तो हम दूसरे सर्किट में चले जाते हैं सब सर्किट में, तो दो अगर 1500 वाट टोटल लोड है हमारे उस नए बिल्डिंग का तो हम दो सब सर्किट चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम करंट का वैल्यू निकालते हैं, लोड का वैल्यू निकालते हैं। आज अगर थ्री फेज कनेक्शन है या सिंगल फेज कनेक्शन है तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है पी बराबर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस बाई थ्री फेज के केस में या पी बराबर वी आई कॉस बाई सिंगल फेज के केस में, तो करंट का वैल्यू हम उसको निकाल करके लोड कैलकुलेट कर करके अगर कहीं पर स्टार्टर वगैरह लगता है डेढ़ गुना कैलकुलेट करके या दो गुना टाइम पर कैलकुलेट कर करके हम उस लोड को देख करंट का वैल्यू देखते हुए हम मेन मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या अन्य सामग्री उस स्पेसिफिक रेटिंग्स के हिसाब से हम उसको परचेज की कार्रवाई करते हैं और हम टोटल उसका वायरिंग और या इंस्टॉलेशन जो भी हमारा वर्क दिया हुआ है उसको हम करते हैं। ये तो मेरा एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स था जो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली इस तरीका से हम इसको कार्रवाई करते हैं और हम वर्क को कम्प्लीट करते हैं। थैंक्स।